नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत कुछ मिनिटी में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। राज्य में भयंकर हो पारे कोरोनार तृतीय लहर 75 दिन में आक्रांत हो पारती 7 लाख ऊर्ध रोगी 10,000 उपरे रही पारे दैनिक संक्रमण सबु जिलापालों सतर्क कराइला स्वास्थ्य विभाग मोट 7,66,275 रोगी आक्रांत होवार आशंका पूर्व लहर तुलन में संक्रमण हार 53% अधिक। रत्नभंडार चाबी हजिता ना ना आरटीआई रिपोर्ट आसला सांघातिक तथ्य 2018 रत्नभंडा जांच रिपोर्ट में उल्लेख नहीं चाबी हजिवा घटना रत्नभंडा रजिस्टर में होना लेखा क्षोभ प्रकाश कले शंकराचार्य। महंगा डबल मर्डर घटन नुआ ट्विस्ट 13 नंबर मुदला प्रताप जेना ना पुलिस चार्जसीट्रु काटा कुने असंतोष प्रकाश कले कोर्ट अधिक तदंत महंगा आईआईसी को निर्देश कोर्ट को सानी तदंत निर्देश पर राज्य सरकार को टार्गेट कला बीजेपी कुलमणि बरालों पु कहे मंत्री विरोध में रही जथेष्ट प्रमाण। रणेन्द्र को फसाईदे दलय विधायक ध्रुवचरण साहू केन्द्रापड़ा जिले में चली समवाय केलेंकारी गुमर खोलें एक्सपोज पर प्रतिक्रिया रखिले राजा स्वाई सरकार को घेरिले विरोधी। परी मामलें बाबुली को सुरक्षा देवापर एवं 80 कोटी स्कामे गयाधर परिडा मुंड पर मंत्री अरुण साहू का हाथ जाल दस्तखत प्रमाण पर भी गयाधर विरोध में आक्शन सुन जिला प्रशासन भूमिका नहीं उठला प्रश्न। केबे हेबो पौर निर्वाचन आसंता विधानसभा पंचायत निर्वाचन लगी संरक्षण ने आसीब संशोधित आईन संरक्षण सीमा रहिबो 50% बीजेपी रो अभियोग राजनैतिक उद्देश्य रखी एपरी करुछंति राज्य सरकार कांग्रेस कहिला उभय पौर और पंचायत निर्वाचन करंतु राज्य सरकार। समस्त भारतीयों सुरक्षित स्वदेश फेर आणवा केन्द्र सरकार प्राथमिकता सर्वदलीय बैठक पर सूचना दे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कहिले अफगान स्थिति खराब तालिबान प्रतिश्रुति पालन करूनी अफगानु 575 जन भारत आसीता बेले 3014 कल जवाब देती वैदेशिक मंत्रालय। पंचस्तरी दिन में आक्रांत हो पारती 7 लाख ऊर्ध रोगी दैनिक संक्रमण 10,000 उपरे रहिबा बेले 19,000 को जाईपे शीर्ष संक्रमण तृतीय लहर प्रस्तुति भितर एमती किसी आकलन करछि राज्य स्वास्थ्य विभाग सेबड़े तृतीय लहर को आखि आगे रखि स्वास्थ्य विभाग तरफ आगुआ पदक्षेप स्वरूप मार्गदर्शिका प्रस्तुत कर जिलावारी कार्यक्रम को अनुमोदन कर सबु जिलापा चिठी लिखि जणाइ दि जाइछि एथरे टेस्टिंग पई किट सहित 8 प्रकार औषध महजूद रखा निर्देश दि जाइछि। राज्यरे भयंकर होई पारे कोरोनार तृतीय लहर 75 दिन में आक्रांत हो पारती 7 लाख ऊर्ध रोगी 10,000 उपरे रही पारे दैनिक संक्रमण सबु जिलापा चिठी में सतर्क कराइला स्वास्थ्य विभाग गोटे पटे कोरोना द्वितीय लहर प्रभाव कमुवा बेले चिंता बढ़ाऊ संभाव्य तृतीय लहर यार भितर राज्य सरकार को आकलन संभाव्य तृतीय लहर भयवता को नहीं भय बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग आकलन अनुसार 75 दिन पर्यंत रही पारे कोरोनार तृतीय लहर एट 7,66,275 रोगी आक्रांत होवार आशंका रही बड़ कथा हे तृतीय लहर में प्रतिदिन 10,217 रोगी चिन्हट हो जहां पूर्व लहर तुलन में 53% अधिक पीक समय 19,278 में संक्रमण पहुंची पारे जहां द्वितीय लहर अपेक्षा 1.5 गुण अधिक बोली अनुमान करा जाउछि। तृतीय लहर संक्रमण में 3% अर्थात 22,988 लोकों आईसीयू एवं 15% अर्थात 1,14,941 लोकों अम्लजान आवश्यकता पड़ पारे 5% रोगी मेडिकल साधारण बेड में भर्ती हो पारती 23% रोगी होम आइसोलेशन रे सुस्थ होबार संभावना रही बोली राज्य स्वास्थ्य विभाग आकलन करिछि। प्रथम सर्भेलेन्स आम तो अंगनवाड़ी आशा द्वारा करुछु केस चिन्हट करने तो सब प्रकार प्रक्रिया जारी रखिछु जेतेबेले से डिटेक्ट हे आमर काम है
ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଟୋଟାଲି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ପିଲାଟେ ଅଛି ତାକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା, ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛି ବା ଗୁରୁତର ଅଛି ତାକୁ ନିକଟତଃ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ବା ଯେଉଁଠିକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ LMO ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସି ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କିଣାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେସବୁ ଅଭାବ ରହିବନି। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କିଟ୍, RT-PCR ଲାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 8 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ସହ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 20-30 ବେଡ୍ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ୱାର୍ଡ ସହ 12 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ICU ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ CHC ସ୍ତରରେ 50 ଶଯ୍ୟା ଥିବା ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଯିବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି ଯଦି ସେଇଟା ହିଁ ରହେ ହୁଏତ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହୋଇନପାରେ, ଯଦି କିଛି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇଯାଏ ହୁଏତ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କେହି ବି ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ସବୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍ଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 2 ୱାର୍ଡରେ 60 ବେଡ୍ ସହ 7 ICU ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ICU ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ସୋ ଆଟ୍ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱି ଆର୍ ରେଡି, ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ଟେକନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ବେଡ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ୱି ହାଭ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭଡ 2 ୱାର୍ଡ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 60 ବେଡ୍ସ, ପ୍ଲସ୍ ୱି ହାଭ୍ ICU ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ ICU। To start with, it will be 7 beds, but if necessary, we are ready to have even 14 beds for pediatric ICU. Apart from this, we have also procured all the consumables. We are ready with the medicines such as IVIG and other medicines. We have already stocked up on that. We have also done a lot of training because, you know, this pediatric age group, they require a particular type of nursing. So already we have nurses who are trained. କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ସାମ୍ନା କରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। RTI ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାବି ହଜିବା ଏକ ଚାଲ ଥିଲା କି? ଯଦି ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲେ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ମିଛ ଥିଲା କି? RTI ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। 2018 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି RTI ରିପୋର୍ଟକୁ, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ବି ଚାବି ହଜିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଏକ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଖୋଲିଥିଲେ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ବୈଷୟିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଓ ଛାତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାବି ହଜିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏସା ହେ କି
माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है, पुरी के शंकराचार्य से परामर्श लेकर धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान जो श्री जगन्नाथ मंदिर है उसका संचालन का प्रकल्प क्रियान्वित करना चाहिए। अब उड़ीसा सरकार और समिति का यह दायित्व होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, आदेश है, उसका अनुपालन करे। पहले जगन्नाथ स्वप्न देखे दिले मु चाबी पाई गली, किंतु चाबी देखेले नहीं। यार अर्थ जितेबाला पुलिस कार सुना चोरी हुए, रूपा चोरी हुए, जेको जिन चोरी हुए, जितने धरे चोर को से सुना रूपा लोक को देखाए, मीडिया देखाए, आम को धरलु जी चाबी चोरी होगा ये गोटे कमिशन बसला 30 लाख टाँग खर्च कर चाबी से कहीं दिहलानी। भीतर रत्न भंडार चाबी हजिता नहीं राज्यव्यापी हुलस्तुल होगापर जून 6 तारीख में तदंत कमिशन घोषणा करते राज्य सरकार तीन मास मधे तदंत सारी सविशेष रिपोर्ट देवाक जस्टिस रघुवीर दास कमिशन को निर्देश देते सरकार, किंतु तदंत न सरबार पुनर्वार आन मास समय बढ़ाई राज्य सरकार। कमिशन 324 पृष्ठार एक विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग को प्रदान करते एथिपाई राज्य राजकोषु खर्च होता 22,27,918 टंका। कमिशन रिपोर्ट प्रदान तीन वर्ष गला रिपोर्ट सार्वजनीन होइनी, सेबडे आरटीआई रो ए तथ्य अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछे। आनीली करछे खदा खदा जो सेंटरिंग हेतला जो छात पड़थला गळी पड़लानी ता भितरे हीरा नीला मोती माणिक सुना रूपा भर्ती हेछि कोन सरकार करछबे चाबी हजथला बले कहतले खोली के रही जाए सिंह सब आगुरु परे कौन चाबी मिलला मांडी तलु चाबी हजिबा पर तो 3 वर्ष पड़िला सेटा आज पर्यंत आपण सेटा परिष्कार भाव रे आपण सेटा को डिक्लेअर एपन दे इलेनी कॉलोनी जे एई चाबी रत्न भंडार रे मिलला कि चाबी इटी थला कोन आपण माने सब आखी मुजी कोन माने किरो पुजुंदी तमे तो सरकार दायित्व रे अछो तेनु या सरकारकर जो कला कारनामा को लुचिया पई या एक प्रयास मात्र जगमोहन पाख को लोक जापारे यही आल देखे लोक को सुजोग मिलूना और रत्नभंडार को अंधार भितर रखा जामर जो सन्देह जो रत्नभंडार जिनस आम आज कहू विरोधी दल हिसाब से सब हड़प कर जीत आलोचना करूँ कल गजपति कहते हैं बाबद किपर भाव में टर्म आम निश्चित खोलू और प्रशासन को आम जनसाधारण को प्रकृत खबर आम दबु एबे बड़ प्रश्न चाबी हजिबा एक चाल थिला किए चाबी आनिबा को ट्रेजरी रूम को जाइथिला किए जदि चाबी ट्रेजरी रु नै कि जाइथिले ताहाले भितर रत्न भंडार ताला खोलिबा को काहिं के आवश्यकता मने कले नाही जदि चाबी हजि जाइथिला से कथा काहिं के अधिकारी माने रत्न भंडार रजिस्टर रे उल्लेख कले नाही। पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन क सह आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। महंगा डबल मर्डर घटना रे ओडुआरे मंत्री प्रताप जेना मंत्री ना कहीं चार्जसीट रु कटला तार सानी तदंत सालेपुर जेएफसी कोर्ट देखते निर्देश महंगा आईएसी को तदंत कर रिपोर्ट देवाक कोर्ट महंगा डबल मर्डर घटनार मुदाला तालिकार 13 नंबर मंत्री ना थिले भी चार्जसीट्रे पुलिस ना काटिदेपर कोर्टर द्वारा सही कुलमणि बराला पु रमाकांत बराल चार्जसीट्रु केमिति कटिला प्रताप जेना को ना मुदाला नंबर 13 कटिबा पछरे किए किए देउथिला आईन मंत्री प्रताप जेना को सुरक्षा महंगा डबल मर्डर घटना रे नुआ ट्विस्ट 13 नंबर मुदाला प्रताप जेना को ना पुलिस चार्जसीट्रु काटिबा कुने असंतोष प्रकाश करछंती कोर्ट ए हुची सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट कराय पुणि थरे तदंतर आवश्यकता अछि बोली उपलब्धि करी कोर्ट अधिक तदंत पई महंगा आईआईसी को निर्देश कोर्ट को सानी तदंत निर्देश परे मंत्री को पई अड़ुआ बढ़ी बेले सरकार को निशाना करछी बीजेपी महंगा डबल मर्डर रे सालेपुर जेएमएफसी को गुरुत्वपूर्ण राय वर्तमान रो आईन मंत्री नगर उन्नयन मंत्री ये परिसर भुक्त खेबे तदंत्र एवं महंगा पुलिस को आज स्पष्ट भाव में निर्देश देते ना भी मुझे बुझुली बाटे मिस अंकिता गुरु आई सैल्यूट द मैजिस्ट्रेट। महंगा डबल मर्डर घटना रे अभियुक्त तालिकार 13 नंबर थिला आईन मंत्री प्रताप जेना को ना
हेले चार्जशीट दाखल बेले मंत्री ना को काटी देथिला पुलिस परे काहेकि मंत्री ना कटिला तार प्रतिवाद रे सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करथिले कुलमणि बराल को पुओ रमाकांत बराल एबे कोर्ट को निर्देश आसीबा परे रमाकांत कहिसंती तांका पाखरे मंत्री विरोध रे जथेष्ट प्रमाण अछि जहां से कोर्ट रे दाखल करिवे तेबे अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल को पाखरे मंत्री को संपृक्ति नै तथ्य थिबारु तांको हत्या करा जाइछि बोली कहि पुणी आईन मंत्री को काठगड़ा को टाणिछंती रमाकांत जो अधिकारी माने मंत्री को विरुद्ध रे जो अभियोग थिला ताको उल्लेख कले नै चार्जशीट रे आमे तांको पाखरे कहिबु कोर्ट रे मध्ये कहिबु जहां जहां साक्ष्य प्रमाण अछि जहां हमर एविडेंस अछि आमे कोर्ट को प्रदान करिबु एवं पुनः तदंत हले जो अधिकारी सहजीवे ताको भी संपूर्ण सहयोग करिबु एवं न्यायाधीश उपर हमर आशा भरोसा निश्चित आशा रखिछु निश्चित आमे न्याय पाइबु। जनवरी मासरे महंगा नृत्यंगर बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल को निर्मम भाव हत्या करा जाइथिला। ए घटना पछरे मंत्री प्रताप जेना हाथ थी अभियोग करते मृतकों परिवार एफआईआर 13 नंबर थिला मंत्री प्रताप जेना ना तेरे कोर्ट को निर्देश आसवा पर पुलिस भूमिका को नहीं भी उठी प्रश्न केमिति और क्यों परिस्थिति में पुलिस आईन मंत्री ना चार्जशीट रु काटिला और तदंत को मंत्री केमिति प्रभावित करके भी उठी प्रश्न। कटकु इमरान खान को सह भुवनेश्वर सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गृह में संरक्षण को नहीं देखा बृत्ति को तुरंत कार्यकारी करा शिक्षा मंत्रालय अधीन आसुवा समस्त केन्द्रीय उच्च शिक्षा अनुष्ठान को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी और आर्थिक वर्गों पर उद्दिष्ट पदवी को पूर्ण करने उच्चशिक्षा सचिव पत्र लिखि मिशन मोड्रे एक वर्ष मध्य पूर्ण करने को कार्यकारिता करने दिगरे पंजाब आईआईटी रोपार द्वारा स्वतंत्र निजुक्ति अभियान में एससी एसटी ओबीसी और आर्थिक दुर्बल श्रेणी एगारटी विभाग में प्राध्यापक निजुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग समेत एगारटी विभाग में विज्ञप्ति प्रकाश पाई निकटे होता संसदर मौसुमी अधिवेशन में केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गृह एक बृत्ति रखी कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में भारत सरकार ओबीसी एससी एसटी और आर्थिक दुर्बल वर्गों पर आरक्षण नीति को लागू करछन्ती पछुआ और आर्थिक दुर्बल श्रेणी छात्र छात्री को देश में सामाजिक न्याय देवा दिगरे भारत सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाउछि। फसीगले समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई रणेन्द्र को फसाई देले खुद निज दल विधायक ध्रुवचरण साहू और शशिभूषण बेहरा केन्द्रापड़ा जिले में चली समवाय केलेंकारी गुमर दस्ताविज थ एवं सारा राज्यर कथा शासक दल विधायक माने खोली देबा परे एवं सरकार को घेरी विरोधी सेपटे गुरुड़ी छटिया समवाय मामलें बिवाद रे स्वाई ब्रदर्स अड़ुआ समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई अड़ुआ विभाग सचिव समवाय विभाग में चली केलेंकारी पोल खोद शासक दल विधायक ध्रुव चरण साहू खोल अड़ुआ को आसी विभाग सबु सारी देले शासक दल विधायक खोली देले राज्य सारा चली समवाय विभाग केलेंकारी कथा केमिति भूत हिताधिकारी हाथ में चाबी धरई राज्य राजकोष में चून लगी तार गुमर केन्द्रापड़ फेर पर एवं मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई पड़पे लगी अड़ुआ से घटना पदा को आसवा पर सरकार को घेरी विरोधी समवाय दुर्नीति अनेक जगार बारंबार उजागर करा किंतु जड़े मंत्री ए सरकार जड़े मंत्री जड़े बाहुबली मंत्री राजा स्वाई आठगढ़ गुरुड़ी झाटिया समवाय समिति जो दुर्नीति है ता संपूर्ण पूरा समवाय दुर्नीतिर मुखा को खोली देछि ताको भंडा फोड़ करछि। आज जो कृषक को समवाय समिति रु ऋण मिलवा कथा कृषक कृषि पाई ऋण मिलवा कथा ताकू न मिलिकि अन्य लोकंकु तांकर पार्टीर दलीय कर्मी को ऋण दिया जाउछि एवं दलीय कर्मी को जो कृषि पाई उद्दिष्ट ऋण को दिया जाउछि ता छड़ा जो मानको दिया जाउछि से मानको से ऋण मध्ये आदाय करा जाउने कारण से भूत सब तांकर कोनोसी सूचना नाही कानो सुनुछि स्वच्छ शासन
କେବଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଓଲଟା, ଆଖି ଦେଖୁଛି କାନ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଆଖି ଦେଖୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିଛବି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କିସ ଗାଉନି ବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ। ସମବାୟ ବିଭାଗ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଖୋଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଡୁଆରେ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସ, 1 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ଏନେଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିବାଦ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆର ମୂର୍ଖ କାର୍ପେଟଦାର ଏବଂ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ଆମର ଏଠି ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟ ଯାଇକି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର କେଳେଙ୍କାରୀ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମର 2ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାକିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 500ରୁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଇନଗତ ମାନେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କରାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ବାହାରିବ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୌର ପୂର୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। 3 ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି କରିନ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କୈଫତ ତଲବ କରିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଳମ୍ବତାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ଜବାବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଆସିବ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ, ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥର ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା 50% ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରିଜର୍ଭେସନଟା ୱିଦିନ 50% ରହିବ। ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର ଆମେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିବୁ। ଏଥର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଲିମିଟେସନ ହେବ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି 50% ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତ ତା ସମୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ ହେବ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଆଳ ଦେଖେଇକରି ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମକଦ୍ଦମା ଜିଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ କାୟମ ରଖିବେ ବା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ସମୟ ନ ଘଟିଲେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରି ଠିକଣା ସମୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ଏହାର ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ କେବେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସହ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
परी मामलें बाबुली को सुरक्षा देवापर एवं 80 कोटी स्कामे गयाधर परिडा मुंड मंत्री अरुण साहू का हाथ जाल दस्तखत प्रमाण पर भी गयाधर विरुद्ध में आक्शन हो जिला प्रशासन भूमिका पर उठी प्रश्न। मेरे दो अनमोल रतन सेबे बाबुली एबे गया परी केस रे बाबुली को सुरक्षा देले मंत्री अरुण साहू एबे 80 कोटी स्काम रे गयाधर पैडा मुंडरे मंत्री हाथ जाल दस्तखत प्रमाण पर भी गयाधर विरोध में आक्शन सुन जिला प्रशासन भूमिका नहीं उठिला प्रश्न। नयगढ़ अरुण गया राज नजर पकातु ए फोटो सबू पर मंत्री अरुण साहू राइट हैंड गयाधर परिडा भापुर ब्लॉक अध्यक्ष अरुण साहू तांको बॉस तांको इशारा रे काम करिबे गयाधर आउ गयाधर को सुरक्षा देबे अरुण यांको ना रे आसीछि संगीन अभियोग अभियोग आनिछंती पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलता बेहरा अभियोग हेउछि जे शांतिलता को जाल दस्तखत करी 80 कोटी टंका हड़प करि नैछंती गयाधर एने थाना रे अभियोग करिछंती शांतिलता तदंत परे जाल दस्तखत प्रमाण भी मिलिछि हेले कार्यानुष्ठान नेउनाहंती नयागढ़ जिलापाल खाली सेती नुहे गयाधर ब्लॉक उपाध्यक्ष थिबा बेले जबरदस्ती शांतिलता ऑफिस रे बसुथले तांकु जातियाण आक्षेप भी करुथले शांतिलता षड्यंत्र करी अनास्थारे हटाई दियागला ठीक परी केस रे बाबुली विरोध रे हल्लाबोल करिथिले सेतेबेलर सरपंच सौम्य रंजन प्रधान तांकु भी अनास्थारे हटाई दियागला उभय केस रे मास्टर माइंड मंत्री अरुण साहू बोली अभियोग होईछे सेबे बाबू एबे गया एबे जोर धरिछि गयाधर परिडांक गिरफ दाबी आमेर ऑलरेडी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को एश्योर करने करिया पई सेटा पुलिस तरफ रु भी आमर जीव प्लस जो जदि फॉर्ज हेछि सेटा सर्टन हेला परे किए सेटा दायी अछि सेटा भी आमे इंक्वायर करिवु जहा हु विल बी रिस्पांसिबल जे भी रिस्पांसिबल थिबे से गवर्नमेंट पदाधिकारी हो कि किंबा आउ के थांतु सेटा सर्टन करला परे आमे एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन जदि उपजिलापाल तदंत रिपोर्ट देथिले ताहाले कार्यानुष्ठान हेला नाही काहे कि जदि जिलापाल छुट्टी रे थिले ताहाले अनास्था भोट हेला केमिति मंत्री का सुरक्षा ढाल अछि बोली गयाधर को डरुछि कि प्रशासन मंत्री अरुण साहू का खास बोली सबु माफ। नयगढ़ रु शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।